राम राम भाइयों। सबसे पहले तो दोस्तों एक ज़रूरी मैसेज है आपके लिए, जो भाई भी इस वीडियो को एक बार देखे वो इस वीडियो को शेयर करे या ना करे, बट जिसके पास यूट्यूब चैनल है वो अपने विचार जरूर व्यक्त करे, ठीक है। और जिसके पास यूट्यूब चैनल नहीं है वो हमारी मांग को चाहे व्हाट्सएप पर टाइप करके शेयर कर दे भाई, ठीक है, क्योंकि सबकी ये मांग है, कोई मेरे अकेले की नहीं है या जो भाई प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उनकी कोई ये मांग नहीं है। और दूसरी बात भाई, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, कल जो बच्चों ने उनके पास मैसेज किए थे लगातार 56-57 की अर्ली रिंग को लेकर, नई सीईटी को लेकर, और ग्रुप डी का जो डीवी ये ऑनलाइन करवाने की बात कर रहे हैं उसको ऑफलाइन करवाने के लिए जो मांग थी उसको अखबार में छापा, सरकार के समक्ष रखा, सरकार के, बाकी इससे इफेक्ट पड़ना ना पड़ना भाई, इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ता है, सरकार के कानों में कम से कम ये तो रहता है, सरकार के दिमाग में अभी बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरी, तो सभी ने भाई सारे मुद्दों का आपको पता है कि क्या होने लग रहा है क्या नहीं होने लग रहा। तो सबसे पहले सारे भाई 30 तारीख ने 11 बजे क्रांतिमान पार्क हिसार में पहुंच जियो भाई, ठीक है। जो जो इन भर्तियां ने पूरी करवाना चाहे है 30 तारीख ने क्रांतिमान पार्क हिसार में पहुंच जियो। और भाई दूसरी बात, सीएम साहब का भरोसा बैठे, सीएम साहब ने तो पहले भी कही थी कि 31 दिसंबर तक हम ये भर्ती पूरी करवा देंगे, संकल्प है, वादा है, ये है वो है। तो कितनी भर्ती पूरी हुई भाई, एक भी भर्ती अगर उसमें से पूरी हुई हो तो भाई आप भी उड़ रहे हो और मैं भी उड़ रहे हूँ, ठीक है। सभी को पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है अब ये मार्च पे आके, ठीक है। करनाल में ध्वजारोहण के समय भी सीएम साहब ने बात बोली थी कि भर्ती रोको गैंग एक्टिव है भाई, होंगी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो भर्ती पूरी करवाना, हमारी भर्ती, हमारी मांग, हमारी भर्ती पूरी की जाए, ठीक है। अगर आप भी यही चाहते हो तो कौन सी आप 60,000 कौन सी भर्ती पूरी करना चाहते हो मार्च तक, सभी को पता है, आपको भी पता है कि जब तक 56-57 बाहर नहीं आएगा आप सी ग्रुप की कोई भर्ती पूरी नहीं करवा सकते, 32,000 सीईटी में से कोई भर्ती पूरी नहीं करवा सकते। और ये मेरे दूसरे भाई जो लगातार ये मांग करने लग रहे हैं ना, जिन्होंने मतलब ये जो ग्रुप हो रहे हैं, जिनके एग्जाम चले थे, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, वो इनका रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो भाई रिजल्ट कैसे आ जाएगा उनका, हैं। पहली बात तो ये है कि सीईटी स्कोर आपका, ये वैकेंसी लेने के बाद सीईटी स्कोर आपका रद्द कर दिया जाएगा, ये सरकार की पॉलिसी में साफ साफ लिखा है। दूसरी बात, अगर आपका कल को 56-57 वाले में नाम आ गया, 27 ग्रुप का रिजल्ट दे भी दिया, ठीक है, हालांकि मेरे को नहीं लगता कि एचएससी अब ऐसी गलती करेगी, लेकिन दूसरी बात 56-57 वाले में नाम आ भी गया तो फिर क्या दूसरे रिजल्ट में दोबारा नाम आपका देखने को मिलेगा, आप ये सोचते हो क्या, ठीक है। और एक मेरा भाई वो, ठीक है, अपना फायर का जो टॉपर है वो भाई, ठीक है ना, जो फायर का टॉपर है वो अब बोल रहा है कि इन ग्रुपों का रिजल्ट निकाल देगी सरकार, निकाल देगी। मेरे भाई सबसे पहले केस करने में वही मिलेगा फिर दोबारा, ठीक है, क्योंकि अगर उसने 57 ग्रुप का एग्जाम भी दे रखा है ना, तो 57 ग्रुप में जिस हिसाब से वो अपने नंबर बता रहा है तो उसका 57 में आएगा नाम, तो सबसे पहले केस वही करेगा, ठीक है। तो ये डिमांड करते ही मत उठाओ कि 27 ग्रुप का निकाल दो या 9 ग्रुप का निकाल दो, इसमें आपको ही दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ा केस लग जाएगा ये भर्ती अब, तब तो क्या ये कभी नहीं सुलट पाएंगे फिर, ठीक है। सबसे पहले हमारी मांग यही होनी चाहिए कि 56-57 को एक बार कोर्ट से बाहर निकालो, ताकि ये भर्ती कम से कम कोर्ट से तो फ्री हो, तभी ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और मैं दोबारा ये आपको कहना चाहूँगा, जितने मेरे भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिसार 30 तारीख को पहुँचे, 11 बजे का समय है, क्रांतिमान पार्क, बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, और जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी हम इस भर्ती को भी निकलवा के रहेंगे, अब बहुत हो चुका, बहुत देख लिया, ठीक है। बाकी और बातें मैं रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं, सभी को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। जो भी यहाँ तक इस 4 गुणा वाली लिस्ट में यहाँ तक आए हैं, तो सभी बच्चे समझदार हैं, सभी हरियाणा का हर पढ़ा लिखा युवा समझदार है, इतना सभी को पता है कि उसके साथ गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। तो भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी भर्तियों को बचा लो, वरना बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कई भाई इस चक्कर में बैठे कि विधानसभा तक हो जाएंगे, विधानसभा तक हो जाएंगे, भाई बाद में नहीं होना कुछ भी, ठीक है ना, बाद में नहीं होना कुछ भी, अपना पहले बचवाई जानती हो तो बचवा लो, कम से कम सेफ तो कर लो एक बार, ठीक है। सरकार वादे तो करे हमारे तक भर्ती पूरी कर देगी, जाओ तो एक बार अर्ली हेयरिंग लगवाओ, भर्ती कोर्ट तक निकलो, फिर हम मानेंगे हाँ भाई पूरी कर दोगे, इब्बे के है उसका 56-57 का नहीं कोई ध्यान को नहीं, ठीक है। और ये डी ग्रुप वाले भाई हंगामा तार रहे, हमारी भर्ती कर दो, हमारी भर्ती पूरी कर दो, भाई जिसके नंबर 80+ है ना, तो वो तो अपना अपने सेफ मान लो,
ठीक है, बाकी कट ऑफ नहीं डट दिए इतने नीचे है, ठीक है। और एस एस सी ग्रुप की भर्ती पहले हो जाती तो 4 से 5 नंबर का कट ऑफ में फ़र्क पड़ना या पड़ना था, सब ने इस बात का बेरा है। और कई इवनों का हैं भला दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया तो उस तक कट ऑफ में सर होगा भाई, कुछ भी ना हो, ठीक है, 0.1 0.2 की तो कोई बात नहीं कर दे, लेकिन कुछ भी फ़र्क ना आवे, ठीक है। बीच में ठीक है ना, तो अपनी भर्ती तो यह है सी ग्रुप की पहले हो जाए है, इसके ऊपर कुछ काम हो जाए है, या उनके रिजल्ट भी एक बार दे दिए जा हैं तो वे बच्चे ज्वाइन ना करें बाद में, ठीक है। तो इस तरह अच्छा है 57 बार निकलवा लो, ठीक है, पूरी सी भर्ती एक बार ट्रैक पकड़ेगी तो पकड़ेगी फिर, ठीक है। तो इतना ही कहना था भाई आप तक, 30 तारीख ने सारे भाई अपने यार जो यार दोस्त है उनने भी लेके आओ, एक एक दो दो ने साथ में लेके आओ, और इसार क्रांति मान पार्क में इसार 30 तारीख ने पहुँचो, बार बार रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं, आखिरी लड़ाई उसके बाद अपना बेस करना पड़े रही हो, ठीक है, बाद में इसका कुछ नहीं होना, ठीक है, इलेक्शन सर पा के खड़े हैं, बाद में कुछ भी नहीं होनी। चलो दोस्तों सारे भाई पहुँच जियो 30 तारीख ने इसार, धन्यवाद।